निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हर क्लास के लिए उपयोगी है, इन क्लास 10th के लेवल से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें महत्वपूर्ण सूत्रों को मैं बताऊंगा जो कि प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको याद करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे प्रमुख फार्मूले हैं इस पाठ के, निर्देशांक ज्यामिति के। फर्स्ट है हमारा बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी। दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी निकालना है, तो इसका फार्मूला है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। इसमें x1 भुज है, y1 कोटि है। यहां x2 भुज है, y2 क्या है? कोटि है। तो x को भुज माना जाता है और y को कोटि। भुज और कोटि किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो निर्देशांक बराबर होता है भुज / कोटि। भुज और कोटि से मिलकर के किसी बिंदु का निर्देशांक बनता है। फार्मूला नंबर सेकंड है हमारा बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक दो होते हैं। बाह्यता, एक बार बाह्यता विभाजित करते हैं, एक बार अंततः। तो सबसे पहले हम अंततः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। इसका सूत्र होता है अंततः विभाजन में। यदि अंततः विभाजित करते हैं तो इसका सूत्र है m1 x2 + m2 x1 m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 / ये तो भुज हो गया कोट के लिए। m1 y2 + m2 y1 m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 ये है अंततः विभाजन सूत्र। और बाह्यता विभाजित करते हैं तो इसका अलग सूत्र है m1 x2 - m2 x1 m1 x2 - m2 x1 / m1 - m2 ये तो भुज का सूत्र है। कोट निकालेंगे तो m1 y2 - m2 y1 / m1 - m2 ये है बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ये बाह्यता विभाजित करते हैं तो थर्ड फार्मूला है हमारा बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1 + x2 / 2 / y1 + y2 / 2 ये भुज निकालने का सूत्र है। x1 + x2 / 2 / y1 + y2 / 2 इसके द्वारा हम किसी भी सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? भुज बराबर x1 + x2 + x3 / 3 ये भुज है। कोट क्या होगा? y1 + y2 + y3 / 3 भुज और कोट से हमारे निर्देशांक निकल जाएंगे। किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है तो केंद्र के निर्देशांक निकालने का सूत्र ये है। फाइव नंबर है हमारा बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और तीन बिंदु दिए गए हैं तो इसका सूत्र होता है 1/2 कॉमन बड़े ब्रैकेट में x1 कॉमन लेंगे छोटे ब्रैकेट में y2 - y3 + x2 छोटे ब्रैकेट में y3 - y1 + x3 कॉमन छोटे ब्रैकेट में y1 - y2 ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र। स्टूडेंट्स हमारा सिक्स फार्मूला है यम प्रवणता वाली रेखा का समीकरण यदि y अक्ष पर कटा अंतःखंड c है। यदि y अक्ष पर कटा अंतःखंड c है और प्रवणता m दी गई है तो इसका फार्मूला होता है y बराबर mx + c। तो रेखा का समीकरण हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं y बराबर mx + c जहां m क्या है? प्रवणता है। c क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड c है। सेवन नंबर है हमारा यदि x अक्ष पर कटा अंतः
तथा वाई एक्स पर कटा अंतःखंड बी है, तो रेखा का समीकरण एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक नंबर है x1 y1 से होकर जाने वाली तथा यह प्रवणता वाली रेखा का समीकरण, प्रवणता यह दी गई है और बिंदु दिए गए x1 y1, तो रेखा समीकरण होता है y - y1 बराबर m का मान ब्रैकेट में x - x1। नाइन नंबर है बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु दिए गए हैं तो उसको मिलाने वाली रेखा समीकरण होता है सूत्र y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। इसकी सहायता से समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। टेन नंबर है हमारा बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 की प्रवणता यह बराबर होता है y2 - y1 अपान x2 - x1, प्रवणता का सूत्र है। ये दो बिंदु दिया गया है तब x1 y1 और x2 y2, तो प्रवणता यह बराबर होता है y2 - y1 अपान x2 - x1। 11 नंबर है रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की प्रवणता, अगर इस रूप में समीकरण दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो प्रवणता का सूत्र होता है बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। 12 नंबर है हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, सूत्र होता है y बराबर tan थीटा x, tan थीटा इनटू x, क्योंकि m बराबर होता है tan थीटा, प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा, तो y बराबर mx हो जाएगा। अगर प्रवणता दी गई है तो y बराबर mx, अगर इसी m के स्थान थीटा दिया गया तो सूत्र होता है y बराबर tan थीटा इनटू x, क्योंकि m बराबर होता है tan थीटा। ये दोनों फार्मूला एक ही है, केवल अगर x अक्ष से बना कोण थीटा दिया गया है और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण ज्ञात करना है तो y बराबर होता है tan थीटा इनटू x, और ये प्रवणता दी गई है और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण ज्ञात करना है तो y बराबर होता है mx। स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूले की सहायता से बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला सूत्र है 14 नंबर, मूल बिंदु से रेखा ax + by + c = 0 पर खींचे गए लंब की लंबाई या डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए b बराबर होता है सूत्र c / a² + b² और अगला नंबर है 15 नंबर, बिंदु x1 y1 से रेखा ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है d बराबर ax1 + by1 + c / √a² + b² ये है x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई और यह है मूल बिंदु से डाले गए, मूल बिंदु का स्थान होता है 0, 0। अब है अगला नंबर 16 नंबर है, बिंदु x1 y1 से सरल रेखा x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो d बराबर होता है x1 cos अल्फा + y1 sin अल्फा - p, इसका सूत्र है। अगला नंबर 17 नंबर, ax + by + c = 0 के समांतर रेखा का समीकरण, इसका सूत्र होता है ax + by = lambda, ax + by = lambda। और 18 नंबर है ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब रेखा का समीकरण, तो लंब रेखा में होता है सूत्र bx - ay = lambda, bx - ay = lambda। और 19 नंबर है लंब होने का प्रतिबंध, अगर दो रेखाएं परस्पर लंब है तो पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए -1, m1 * m2 = -1 आना चाहिए, तब दो रेखाएं परस्पर लंब होती है, ये लंब होने का प्रतिबंध है। समांतर होने का प्रतिबंध है m1 = m2, मतलब पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा प्रवणता m2 के बराबर होना चाहिए, पहली रेखा की प्रवणता m1 और m2 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 दोनों बराबर है, जब ये दोनों रेखाएं क्या है परस्पर समांतर है। स्टूडेंट्स, हमारा 20 नंबर का फार्मूला है 21, यदि y = m1x + c1 और y = m2x + c2 है
इसके बीच का कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। मतलब पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता का अंतर होता है, उसके बाद 1 प्लस पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता का गुणनफल होता है, तो प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। ये फार्मूला 22 नंबर है हमारा। सरल रेखाओ a1s प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2s प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच का कोण ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों तक नया नया वीडियो पहुंचता रहे और उससे आप लोग ज्ञान प्राप्त करते रहे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल इम्प्रूव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों तक नया नया वीडियो पहुंचता रहे।